नेपाल में हुए विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, सभी लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 5 भारतीय शामिल हैं। विमान में 68 यात्रियों के साथ साथ कुल 72 लोग सवार थे जिसमें 6 बच्चे भी शामिल थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान। ये थी एयरलाइंस का ATR-72 विमान। पोखरा में लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो गया और हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई। हादसे की जगह से आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। नेपाल के 53 यात्री इसमें सवार थे। 5 भारतीयों की मौजूदगी इस एयरलाइंस में थी और ऐसे में जबकि काठमांडू से पोखरा के लिए इसने उड़ान भरी थी, सेफ लैंडिंग से पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हर कोई उम्मीद जता रहा था कि शायद कुछ लोग बच जाए, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश से पहले ही इसमें आग लग गई थी, जो जानकारी दी गई है सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि हाँ, पहले ही आग लग गई थी जिसके बाद लैंडिंग नहीं कराई जा सकती थी। हालांकि किसी तरीके से कोशिश जरूर की गई होगी, लेकिन ये क्रैश हो गया और इस क्रैश में 72 लोगों की जान चली गई जिसमें 5 भारतीय शामिल हैं, नेपाल के लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, कई विदेशी भी हैं। विदेशी में कई देशों के लोग शामिल हैं, चाहे उसमें रशिया, अर्जेंटीना, जापान। हालांकि अभी पूरी सूची जैसे ही आएगी वैसे ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से देश के लोग शामिल हैं, लेकिन ये बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद ये हादसा। नेपाल में हुए इस विमान हादसे में 5 भारतीयों की भी मौत हो गई है। 72 लोग इस विमान में मौजूद थे, 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों की मौजूदगी थी। भारत के 5 यात्रियों समेत देश और दुनिया के कई और देशों से भी लोग इसमें सवार थे। काठमांडू से इसने पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सेफ लैंडिंग कर पाता, बड़ा विमान हादसा हुआ है और 72 लोगों की जान चली गई है। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बड़ी खबर कि मौसम की खराबी की वजह से ये विमान हादसा नहीं हुआ, बल्कि विमान की तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। और खास बात यह है कि ये थी एयरलाइंस का ये वही विमान है जो कुछ दिन पहले इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए डेमो लैंडिंग करता दिखाई दिया था। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए नीचे ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ, कहाँ ये हादसा हुआ, विमान कहाँ जा रहा था, आखिर कहाँ से इसने उड़ान भरी थी, कितने लोग सवार थे, कितने क्रू मेंबर्स थे, एक एक जानकारी। अब आप 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली ये तस्वीर जो है, दरअसल ये वो आखिरी तस्वीर है उस विमान की, ATR-72 की, जिसने उड़ान तो भरी थी काठमांडू से पोखरा के लिए, लेकिन अचानक से इसका संतुलन बिगड़ा और ये क्रैश हो गया। दरअसल ये किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में ये कैद की है, जो शख्स छत पे खड़ा हुआ है और उसे नहीं पता था कि आखिर ये विमान के साथ क्या होने वाला है। उसने एक्साइटमेंट में आकर जरूर जो है ये वीडियो बनाया, क्योंकि इतने पास से गुजर रहा था। लेकिन इस वीडियो को अगर आप ऑडियो के साथ सुनेंगे तो इसमें साफ तौर पर देखिए, जब तक ये वीडियो बंद नहीं होता है तब तक भी इस वीडियो में धमाके की आवाज आ जाती है। यानी कि जब ये वीडियो बनाया गया है उसके मिनी सेकेंड, मान लीजिए 1 या 1.5 सेकेंड के अंदर ही ये विमान जो है क्रैश हो जाता है। और जो दूसरी तस्वीर है वो तो वाकई दिल दहला देने वाली है तस्वीर, जहाँ पर देखिए हादसे के बाद किस तरीके से काले धुएं का गुबार दिखाई दिया, काले धुएं के गुबार के साथ साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें, जो तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, आग की ऊंची ऊंची लपटें जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी। और साथ ही विमान जो क्रैश हुआ उसके पुर्जे इधर उधर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, जो लोग थे, कोशिश तो ये की गई थी कि किसी भी तरीके से आग बुझाने के बाद जो लोग वहां पर मौजूद है अगर उनको चोटें आई हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सभी लोगों की मौत हो चुकी है, तो कोशिश लोगों की तरफ से की गई कि जो भी सामने दिखा उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हादसा जिस तरीके का भयंकर हादसा हुआ था, भीषण हादसा ये हुआ था, उसमें किसी का बच पाना यकीनन नामुमकिन था।
क्योंकि जैसे ही देखिए अब जो फिलहाल ताजा स्थिति और ताजा अपडेट हम आपको चार बड़े अपडेट बताते हैं। सबसे पहला बड़ा अपडेट ये है कि देखिए एक इमरजेंसी बैठक जो है बुलाई गई है पीएम की तरफ से, नेपाल के पीएम एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि अभी तक ये जानकारी थी कि चार भारतीय हैं जबकि पांच भारतीय की मौत जो है वो इस विमान हादसे में हो चुकी है। तीसरा बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी तरफ से ये साफ तौर पर जानकारी दे दी गई है कि हादसा जो है वो मौसम खराब की वजह से नहीं हुआ था, ये हादसा जो है दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था प्रशांत। और ये सबसे अहम है कि इसमें पांच भारतीय भी मौजूद थे, लेकिन ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है क्योंकि यह हादसे से चंद पलों के पहले की तस्वीर है जब इस विमान को लैंड करना था पोखरा में, उससे ठीक पहले यह आसमान में किस तरह से लड़खड़ाने लगा और आखिरकार इसका संतुलन गड़बड़ाया और यह हादसे का शिकार हो गया जिसमें 72 लोगों की जान चली गई है। यह तस्वीर सबसे खास है क्योंकि यह उस दुर्घटनाग्रस्त विमान की हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है जिसमें यह देखकर समझा जा सकता है कि यह जमीन से कितने करीब है, क्योंकि इस मकान की छत पर खड़े होकर अपने मोबाइल कैमरे से कोई शख्स इसका वीडियो भी बना रहा है और यह विमान साफ साफ इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से यह विमान बस लैंडिंग से चंद पलों पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और एनिमेशन के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं यह थी एयरलाइंस का यह विमान किस तरह से पोखरा में जब लैंड करने ही वाला था कि अचानक इसका संतुलन गड़बड़ाया और इसमें आग लग गई और आग की लपटों में यह घिर गया। 72 लोग इसमें सवार थे, पांच भारतीयों की भी मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि पोखरा से ही नजदीक सेती नदी बहती है, यहीं पर यह क्रैश लैंडिंग हुई है। आसपास के लोगों ने अपनी तरह से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जो आर्मी के वहां के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि इतने टुकड़े इसके हो चुके थे कि इसे किसी एक जगह देखना बहुत मुश्किल था। और ये 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस बड़े हादसे से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल में इमरजेंसी बैठक भी बुला ली है। तो देखिए 6 तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर अपडेट जो है इस पूरी खबर पर क्या है। हादसे की सबसे पहली तस्वीर और सबसे आखिरी तस्वीर समझ लीजिए क्योंकि यही वो विमान है जो इस तस्वीर में नजर भी आ रहा है। लेकिन अब उस विमान में जो 72 लोग सवार थे सभी की जान जा चुकी है। 68 लोग थे और 4 क्रू मेंबर्स थे, इतना ही नहीं कई देशों के लोग थे। दूसरी तस्वीर में देखिए नेपाल में यह हादसा जो हुआ है उसके बाद अब लोग बेहद दुखी हैं वहां पर, क्योंकि जिस तरीके का यह हादसा हुआ कोशिश लोगों ने की कि किसी तरीके से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन हुआ नहीं। नेपाल में हुआ है एक बड़ा विमान हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्थानीय पुलिस और नेपाल आर्मी के जवान लगातार मशक्कत कर रहे हैं। न्यूज 18 की खबर है कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन जो विमान का डेमो वहां पे फ्लाई किया गया था वो यही विमान था। कैसे ये विमान बस लैंड करने ही वाला था। दर्दनाक हादसा हुआ है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ।